भाई साहब ये देखो कैसे ठुकी, लेकिन मान गए भाई बिल्ड क्वालिटी है, ऐसी बात नहीं है टोयोटा की ना भाई। यहाँ पे कंपनी के लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि टॉप मॉडल कैसे मिल गई हैं। कैसी फीलिंग आ रही, मौज आ रही है? पैसा वसूल वसूल तो है यार, इतना तो है। ये जब ही तो इसकी आपका बिल का, ठीक है, आपका आया है टोटल आपका 4740। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू केसी व्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया हो गए। तो आज भाई शुरुआत करते हैं भगवान जी के दर्शन। आज मंदिर आ रखे हैं क्योंकि 45 डेज यहाँ पे हमने खाना रख रखा है, तो वो भी सर्व करने के लिए। और यहाँ पे भाई अभी दर्शन करेंगे, सुबह सुबह शुरुआत महावीर भगवान जी से। चलो भाई सदबुद्धि देना भाई, और बहुत सारी गाड़ियाँ भी देना, हर साल एक गाड़ी यार। तो करते हैं हम लोग यार शुरुआत आज के दिन की। तो भाई दर्शन तो कर लिया बढ़िया अपना सुबह सुबह, अब मेरे को रोज आना पड़ेगा। मम्मी का कहना है 45 डेज यहाँ पे खाना रखवा रखा है हमने लोगों के लिए, तो रोज 45 डेज आना पड़ेगा। और ये रही भाई अपनी गाड़ी, और आज भाई ये गाड़ी 989 किलोमीटर हो चुके हैं, और इसकी अब सर्विस की बारी भी आ चुकी है। पिछले व्लॉग में भी शायद मैंने कहा था, लेकिन आज मैंने बुक करवा दी है इसकी सर्विस। मतलब टोयोटा में ये सही है, महिंद्रा का पता नहीं, होता भी होगा तो मेरे को पता नहीं। टोयोटा मतलब ऐप पे जाओ और ऐप से सीधा सर्विस बुक कर लो। पिकअप एंड ड्रॉप सर अवेलेबिलिटी भी थी, लेकिन मैंने खुद चूज़ किया क्योंकि बताना है कि भाई क्या होता है फर्स्ट सर्विस में टोयोटा में, और टोयोटा मतलब क्या कैसे ट्रीट करता है। देखो अभी 1000 किलोमीटर वाली फर्स्ट सर्विस है। चलो निकलते हैं भाई यहाँ से, और उसके सीधा आपको मिलते हैं टोयोटा। सो गाइस मंदिर से पहले जाने से पहले मैंने टोयोटा के ऐप से बुक करवा दिया था, और इसके अंदर देख सकते हो आपकी टोयोटा के ऐप के अंदर गया हूँ मैं। अब मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, और अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करूँगा मैं कि मेरे को कब का चाहिए, कितने बजे का चाहिए। ये मेरा ब्रांच आ गया पीरियोडिक मेंटेनेंस। अब देखो मैंने सेलेक्ट कर दिया ये रहा, आज वो सेलेक्ट करूँगा। हाँ 18th है, 18th सेलेक्टेड, एंड टाइम मैंने कर दिया था शायद 12 बजे। हाँ डन, 12 बजे का हो गया डन। अब इसको करते हैं कंटिन्यू। एडवाइज़र भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन मेरे को, मैं फ़र्स्ट टाइम था तो मेरे को एडवाइज़र मैंने ऐसे सेलेक्ट नहीं किया, देख रहा था कि कौन कौन है कितने हैं, बट नहीं मैंने नॉर्मली कर दिया। एंड अब पिकअप ड्रॉप और ये सब था इसमें, मैंने कहा खुद ही दे के आऊँगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। 420 एस्टिमेटेड सर्विस कॉस्ट दिखा रहा था, जो कि इन लोगों ने मेरे से नहीं लिए। अब मैंने ओके कर दिया, मेरा मैसेज भी आ गया, और ये रहा डन, बुक हो गया, एकदम इजीली बुक हो गया। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं टोयोटा, और ये देख सकते हो भाई यहाँ पे मेरी गाड़ी चल चुकी है 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 से 3 किलोमीटर ऊपर चल गई। अब देखते हैं भाई कैसी सर्विसिंग है इनकी। वैसे तो सबको पता ही है बढ़िया है, लेकिन अभी देखो क्या सीन है, इनको दिक्कत ही बताएं। दो फॉर्च्यूनर खड़ी है, कैसे इसका सर्विसिंग यहाँ पे है क्या, यहीं देते हैं सर्विसिंग के लिए। देखो अभी वही आ चुके हैं फाइनली। अब है कि भाई रिसेप्शन जाना है, यहाँ रिसेप्शन में बताएंगे प्रोसीजर क्या है फर्स्ट सर्विस का। देखो अभी मैडम है उनको, ये इनका ऑफिस रहा, बढ़िया बना रखा है वैसे। भाई सबसे बड़ा डिफरेंस महिंद्रा टोयोटा में ये देख सकते हो आप, कोई भसूड़ी नहीं, कुछ भी नहीं यार, आराम से भाई। इन्होंने मेरे को समोसा दिया यार, यार ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया सुबह सुबह, और बढ़िया चाय ला के दे दी, ठीक है। और भाई मेरी शक्ल देखो कितना रिलैक्स है, कोई मेरे को चीज़ की टेंशन नहीं। उन्होंने 5-10 मिनट रुको, आप चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद हम एडवाइज़र देंगे आपको। और यहाँ पे आराम से बैठा हूँ, और मौज आ रही है भाई, अभी तक तो मौज ही आ रही है। नहीं पर्स वर्स नहीं है, बस वो है चश्मे तो ठीक है रखे हैं, ये चश्मे ही है ये, या फिर एक थैली वाली दे दो उसके अंदर डाल देंगे यार, और तो कुछ वो केबल वेबल है बस, और तो कुछ नहीं है।
यार इसके अंदर ना जो जैसे आप लोगों ने एवरेज क्लेम की थी जो मतलब 25 तक की दे देगी ऐसी कुछ था ना हाइब्रिड 21 चलो 21 तो यार ये ना देखो 11 के ऊपर दे नहीं रही मतलब ये सबसे मेन कंसर्न है 1000 किलोमीटर चल अभी सिर्फ लोकल चली अभी कहीं दूर लेके ही नहीं गए ऐसे हम लोग मैक्स टू मैक्स सोना गई है और कहीं नहीं गई है। और एक और चीज वहां पे ना ये मेरे को स्टार्टिंग से प्रॉब्लम था वो जो फिनिशिंग है ना वहां देखो वो थोड़ा खुला खुला सा वो देखो वो निकला हुआ ये देखो लेफ्ट साइड का जो है ना वो पूरा वो स्टार्टिंग से निकला है। मैंने कहा जब आऊंगा जब ही इसको क्या करूं मतलब पहले दिन ही था ये मैं उसके 15-20 दिन लद्दाख चले गया था तो मैं आ नहीं पाया। क्योंकि उसको फिट करा फिट एंड फिनिश स्टार्टिंग डे वन से ही है वैसा वो तो गाइस अभी जा रहे हैं रोड टेस्ट के लिए यहाँ पे इसका ईवी मोड चेक करेंगे अभी समझाएंगे कि भाई इसका ईवी मोड कैसे काम करेगा क्योंकि ये अगर जैसे ही ईवी मोड अभी कर रहा हूँ ये अभी कह रहा है डिस्चार्ज क्योंकि भाई कह रहे हैं डिस्चार्ज है अभी इसलिए वो नहीं हो पा रहा बैटरी लो है इसीलिए वो ईवी मोड ऑन नहीं हो रहा अभी बताएंगे कि 4 बार का क्या सीन है फिर हमें भी समझ में आ जाए अभी करते हैं इसको कुछ मतलब अभी इंजन से चल रही है गाड़ी अभी बैटरी से चल रही है। अच्छा जब ये कितने बार होने चाहिए इसे अभी 3 है 4 बार होने चाहिए इसको तो उसके ईवी ऑन हो जाएगा 4 बार से ऊपर होना चाहिए। अच्छा और ये अच्छा यहाँ पे आपने वो डाल दिखा वो किया ना इसे अच्छा करोगे आप चेंज करोगे सारा सब कुछ आता है इसमें ये देख पूरा चाहिए अभी बैटरी का ऐसे पता चलेगा साइड कर करके हाँ ये रहा अभी चार्ज हो रहा है अभी वो ही लगा दो जो है ना अभी मतलब चौथा बार ऊपर होते ही चार वो करके वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा और उसको एक स्पीड में रखना होता है मेरे हिसाब से है ना 40 की स्पीड में 50 की स्पीड तक होता है कैसे होता है नहीं देखो ईवी मोड गाड़ी जब ईवी मोड फुल बैटरी चार्ज होती है हाँ ठीक है जी तो 60 की स्पीड तक ही जाती है ईवी मोड में हाँ ठीक है जी और ये 1.5 या 2 किलोमीटर ही चलती है 2 किलोमीटर लगभग चलती है ईवी मोड पे बस। तो ये हाईवे में ईवी मोड में ही चलेगी हाईवे में चलेगी तो जैसे ईवी मोड देखो एक तो होता है ईवी मोड ये मैंने दबाया हाँ, और एक होता है ईवी हाँ, बैटरी पे भी चलना वो भी दिखाऊंगा आपको मैं बैटरी पे भी चलती है सिर्फ बैटरी पे क्योंकि अभी इसका समझ में आ नहीं रहा कि जो इसका जो एवरेज मेरे हिसाब से ज्यादा पेट्रोल में चल रही है इसलिए 11 से ऊपर दे नहीं रही दोनों पे चलती है। देखो डिपेंड है अब जैसे मैं सिटी के अंदर चल रहा हूँ बैटरी मेरी जितनी चार्ज हो नहीं पाती बैटरी पे कितना चलेगी गाड़ी फुल चार्ज पे ही 2 किलोमीटर चलती है लगभग मैंने देखा 40 के ऊपर लेते ही ईवी हट जाता है डिपेंड है बैटरी कितनी चार्ज है 60 पे भी हो सकता है मतलब यार ये तो बहुत आराम से चलानी पड़ेगी ईवी मोड आ गया लिखा हुआ हाँ अब आया ठीक है ईवी मोड ऑन है अच्छा 4 बार हो गए अच्छा, अब ये ईवी पे चल रही है चलेगी। अच्छा मतलब जब गाड़ी आप सुबह सुबह स्टार्ट करते हो थोड़ी देर आपको चार्ज करनी होगी बैटरी अगर आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं खुद ऑटोमेटिक हो जाएगी ऑटोमेटिक होती है जब आप लंबा चलाओगे गाड़ी को अपने आप चार्ज होगी। अच्छा ईवी पे चल रहा है अभी मतलब जितना ज्यादा बार बढ़ेगा उतनी अच्छी स्पीड में चला सकते हैं सर देखो स्पीड तो मतलब आपको ईवी मोड 60 तक ही चलेगी बस गाड़ी 60 से ऊपर नहीं जाएगी 60 से ऊपर ही नहीं जाएगी 60 से ऊपर जाएगी ईवी मोड और वो भी हल्के पंजे से चलानी पड़ेगी आपको अगर सडन एसी से दोगे तो इंजन स्टार्ट कर देगा वो। अच्छा अगर एवरेज निकालनी है तो एकदम स्लो धीरे एकदम लेकिन नॉर्मल में भी ये 13-14 दे देगी अगर ऐसे चलाएंगे तो 14-15 आराम से देती है अभी देखो अभी शायद फर्स्ट सर्विस के बाद ठीक हो जाए अभी तो चेकअप होगा ना फर्स्ट सर्विस में क्या होगा जनरल चेकअप होगा सर सारा जैसे क्या होगा जनरल चेकअप में जनरल चेकअप में आप तेल इंजन ऑयल चेक होगा एयर फिल्टर साफ होगा एसी फिल्टर साफ होगा सारे ओलों का लेवल चेक होगा कूलेंट लेवल चेक होगा टायर प्रेशर सारा सब कुछ चेक होगा जनरल चेकअप फर्स्ट अभी ईवी में चल रही है हां अब चल रही है ना ईवी पे अब ज्यादा आप इसको खींचोगे तो सीधा नॉर्मल मोड में जाएगा देखो गया ईवी मोड देखो ईवी मोड डीएक्टिवेट एक्सीलरेशन प्रेस हां देख गया चार्ज हो रही है ये थोड़ा धूप की वजह से दिख नहीं रहा लेकिन ये देखो ये फिर ईवी पे आ गई ना ईवी
अभी भी नहीं। हाँ अभी भी है, अभी बैटरी चार्ज हो गई। अच्छा तो भाई वापस आ चुके हैं हम यहाँ पे रोड टेस्ट करवा के, और ये हरकेश जी ने बहुत मतलब हेल्प की। और ये देख सकते हो जैसे मैं एवरेज की कह रहा था 17.2 पे ले, सीधा 10 से हैं कैसे सारा कुछ मतलब बढ़िया तरीके से समझा दिया उन्होंने कि कैसे बैटरी बैटरी वर्क करती है, इसको कैसे रीजनरेट करेंगे। और अब फाइनली हमारी गाड़ी जाएगी सर्विसिंग पे। मेरे हिसाब से भाई आधा घंटा लगना चाहिए, आधा पौने घंटा, कितना मतलब यूजली कितना सर सर्विस हेड अगर ये टाइम बताए। नहीं वैसे आपके हिसाब से फर्स्ट सर्विस कितना अंदर जाएगी? एक घंटा भाई लगेगा। अब देखो अभी टाइम क्या हो रहा है आपका, टाइम कितना हो रहा है? 1:14 होगा, लगा लो 2:15 के बीच में, मतलब 2:15 के अंदर मेरे को गाड़ी मिल जानी चाहिए। और ये जो चीज है ये भी बोल दी मैंने उनको, ये देखने को 1:30 बजे तक लाइट टाइम है सर, है ना? 1:30 बजे तक लाइट टाइम है, लंच टाइम है। यस सर, 1:30 बजे तक मतलब सच बता दिया। देखो उन्होंने कोई उसमें नहीं रखा बहन में, जैसे महेंद्र वाले लगते हैं ना, हाँ सर करवा देंगे कर देंगे। 1:30 बजे तक लंच टाइम, 1:30 ना मतलब, उसके बाद से मतलब मेरी गाड़ी आ रही, मतलब 2:30-3 o'clock तक मेरे को मेरी गाड़ी मिली जब तक मैं यहाँ बैठता हूँ अपना। और अभी चलती है भाई, तो वही फाइनली इनकी GR स्पोर्ट भी आज निकल ही रही है। होगा कोई भाई तगड़ा बंदा जो ले रहा है 60 लाख की फॉर्च्यूनर? अरे लोग मैंने देखे और भी यूट्यूबर की कि भाई फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, लेकिन 4x4 ले रहे हैं, नॉर्मल लेजेंडर भी कोई नहीं ले रहा है, इतनी ओवर प्राइस लग रही। लेकिन है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन जिस भाई की भी गाड़ी है, ब्लॉग देख रहा हो तो बढ़िया है भाई। अभी तो मैं बाहर गया था कुछ काम से, तो देखिए अभी जाते हैं यहाँ वापस अपने पेपर वेपर साइन करने के लिए, एक कोई प्रोसीजर है इनका भी। भाई 4% बाकी है और यहाँ पे यार फिर मेरा दिल पिघल गया। मतलब मैं भी कभी कभी सोचता हूँ थोड़ा पुश किया जा सकता था इन दोनों में से किसी एक के लिए। ये है भाई अपनी GR स्पोर्ट, फिर से बैठ जाते हैं। पता है अब तो कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी भाई बैठने में क्या ही जा रहा है, मौज आ जाती है भाई कसम से। भाई जो सीट्स है ना यार, ठीक है भाई कैप्टन सीट दे देते तुम लोग यार, बढ़िया रहता। फिर आज यार के पास भी यही रहती, मतलब मेन रीज़न यार मेरे घर वाले फॉर्च्यूनर के खिलाफ, क्योंकि कैप्टन सीट नहीं। कैप्टन सीट होती ना, 4 इनोवा रह चुकी है पहले भी, ये 5वीं फिर फॉर्च्यूनर ही होती है अगर कैप्टन सीट्स होती। यार मौज मान देते, मतलब कुछ है भाई गाड़ी, कुछ भी कह लो कुछ भी भाई। अभी कमेंट सेक्शन में भी मैं अभी कुछ मतलब कोई रील डाली थी फॉर फन, जस्ट फॉर वन, जो जो इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं, कुछ है कोई डीलर वाले कोई मैसेज उसमें डाल रहे, कमेंट कर रहे हैं कि कार इंथूजियास्ट नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। मैं भाई तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है एक चीज़ भी कि मैं कौन सी गाड़ी ले रहा हूँ कौन सी नहीं ले रहा? कह रहे और किसी, भाई जब पता ना हो ना किसी चीज़ के बारे में तो क्यों फालतू में। ठीक है मैं भी देख ही जा रहा हूँ, मैं रिएक्शन की जरूरत नहीं है। खुद जो सेकंड हैंड गाड़ी की डीलरशिप लेके बैठा है और खुद जो अलग अपनी हवाबाजी करता है, दूसरी गाड़ी EMI वाली भी पूरी पेमेंट भी ना दी होगी उस बंदे ने, वैसे वैसे करके मेरे पे बोल रहा है कि मैं यू आर नॉट इन क्या कुछ कार एंथुसियास्ट भाई, मतलब जो भी है भाई मैं रिप्लाई करना था कर दिया, अब वापस आ जाते बैक टू रियलिटी। मतलब यार कुछ तो है गाड़ी में यार, फील जो आ जाती है भाई 2% की कम्फर्ट दी है गाड़ी में इन दोनों सीट के अलावा, ये जो ये दो सीट के अलावा। पीछे वाले सीट में बैठ जाओगे सबको बताए, यहाँ ये सीट कुछ ज्यादा अलग है, थोड़ी प्रीमियम फील दे रही है। GR स्पोर्ट बढ़िया 4x60 लाख भाई, 35 लाख मतलब 45-50 मतलब 25 लाख ऊपर, चलो 25 लाख ऊपर। ये GR ये भी ले लो, लेजेंड भी ले लो 20 लाख ऊपर है भाई, कुछ बात तो है सर, कुछ भी हो जाए फॉर्चुनर तो फॉर्चुनर है। मौज आ जाती है भाई बैठ के यार, देखो यार लुक देखो, रुतबा देखो गाड़ी का भाई साहब, ये देखो कैसे ठुकी। लेकिन मान गए भाई बिल्ड क्वालिटी है, ऐसी बात नहीं है, नहीं है टोयोटा की ना अभी भी खत्म नहीं हुई है, चाहे कितना भी कोलैब कर दो, लेकिन भाई हो रखा है अच्छा खासा काम गाड़ी का। अरे कलर तो बढ़िया है, खैर थोड़ा जो मिला मिला। अभी निकलते हैं यहाँ से भाई, गाड़ी ये रहा गेट पास, और बताता हूँ आपको गाड़ी में बैठ के क्या स्टेटस है। भाई यहाँ पे कंपनी के लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि टॉप मॉडल कैसे मिल गई है कह रहे भाई टॉप मॉडल है, मैं कहा भाई राम धन्यवाद तेरा यार आपने करवा दी मतलब लगा लो ऐसी हाल हो रखी है कि कंपनी वालों को खुद नहीं पता, मतलब पता तो है लेकिन आती नहीं ना ज्यादा गाड़ियां यहाँ पे, वो खुद हैरान है कि भाई टॉप मॉडल बैठ जा भाई कोई नहीं बैठ जाओ कोई नहीं यार।
कैसी फीलिंग आ रही, मौज आ रही है? बहुत पैसा वसूल तो है यार, इतना तो है ये जब ही तो इसकी लेने। तो ये फाइनली सर्विस हो गई भाई, नई गाड़ी डिलीवरी ले रहे हैं, ये फॉर्च्यूनर की है। ये भाई मैंने कुछ एक्सेसरीज लगवाई है लियान से, एक तो एक कार की कवर, जो कार की कवर अभी डालूंगा, और एक जो गाड़ी में जो चाहिए ही चाहिए, मतलब ऐसे तो नई की खुशबू लगाती है लेकिन ये भी बढ़िया है। और रोशन जी जिन्होंने बहुत बढ़िया हेल्प की यार, मजा आ गया, मतलब कसम से कह रहा हूँ, मैं व्लॉग में पहली बार टोयोटा को सर्विस ले रहा हूँ, वैसे पहले भी जा चुका हूँ लेकिन अलग एक्सपीरियंस था, अच्छा था, कम्फर्टेबल था, सब बढ़िया था, मौज कर दिया, धन्यवाद यार। चलो यार, सो भाई फाइनली आ चुका हूँ घर, और अब मैं बताता हूँ आपको कि भाई क्या क्या बिल बैठा। पहले तो ये रहा आपका बिल का, ठीक है, आपका आया है टोटल आपका 4740। फर्स्ट सर्विस जो होती है फ्री की, वो फ्री ही थी हमारी, लेकिन जो ऐड हुआ है जो एक सर्विस, एक सेकेंड प्लीज, ये देख सकते हो आप, ये जो आपका ये मड गार्ड ऐड हुआ है, ठीक है, मड गार्ड हो गया, और ये की केयर हो गया जो आपको गिर लिया, और एयर फ्रेशनर था, और ये ग्लॉस में केयर किया, मतलब ये जो कभी मिट्टी विट्टी चिपटे ना, मतलब जब बारिश वारिश का सीजन भी है तो उसने बोला ये करवा दो, मैंने कहा चल ठीक करवा दो, अंदर पूरा बैटरी वैटरी और इंजन में थोड़ी वो कोटिंग वोटिंग करी इन्होंने, और ये आपका देखो की कवर ऐसा था, मैंने कहा बढ़िया लग रहा था, मैंने कहा ले लिया। और ये आपका भाई, इसकी जेन्युइनली स्मेल बहुत अच्छी है, फ्रेग्रेंस जो है ना इसकी, ये सेंसो का होता है, बढ़िया चीज़ लगी और प्रीमियम भी लग रही है थोड़ी, डबल टेप भी था इसके साथ, वो देखता हूँ यार डबल टेप लगता है नहीं कभी, तो कुछ लगता है नहीं मेरा। और एक और चीज़ जो मैंने दिक्कत बोली थी वो भी देख सकते हो, ये यहाँ से ना निकल रहा था तो इन्होंने ठीक कर दिया है, देखो ठीक किया नहीं किया, ऐसे कर दिया है मेरे हिसाब से ठीक, पूरा ज़्यादा निकल रहा था, यहाँ पर भी ऐसा ही है। हाँ, ये फिट एंड फिनिश का है, इसकी भी अलग वीडियो लाऊंगा मैं टोयोटा की, कि भाई क्या इन्होंने वो किया, मतलब डिग्रेड हुए हैं, अपग्रेड हुए हैं नए मॉडल में, वो भी प्रॉपर आपको बता दूंगा। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये रहे भाई आपके ये मड फ्लैप्स, ये रहे ये यहाँ पे और ये यहाँ, मतलब दो दो होते हैं हर जगह, ये देख सकते हो पूरा, इन्होंने ये हार्ड वाला दिया, इन्होंने बोला अब यही लग के आता है, पहले सॉफ्ट वाला आता था लेकिन पता नहीं क्यों चेंज कर दिया ये, मैंने कहा चलो ठीक है यही देते भाई, तो अंदर चले जाते हैं, गाड़ी भी लगाते हैं नीचे। और भाई मजाक से हट के इतना सेटिस्फाइड हूँ ना सर्विस से, मतलब सर्विस में कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को, चाय कॉफ़ी दोनों टाइम डिलीवरी विद समोसा आपको दिखाई दिया था, और एडवाइज़र भी बढ़िया था एकदम, मेरे को पूरा समझाया इन्होंने आधा पौने घंटे की भाई ये गाड़ी रोड साइड असिस्टेंट कैसे चलाओगे, और कभी कुछ इमरजेंसी सर्विस, मतलब पूरा भाई प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना बोलते हैं किया है, और ये फुल संतुष्टि है, कोई ऐसा मेरे को कोई दिक्कत लगी नहीं, हल्का ज़्यादा टाइम लगा मैं बोलूँगा लेकिन ठीक है भाई, फर्स्ट टाइम था मतलब मेरा सर्विस कराना, मैं खुद ले गया था, तो इससे पहले तक तो मैं ना व्लॉगिंग करता था, मतलब जब टोयोटा की इनोवा थी मेरे पुरानी, तो जब तो कुछ मैं जाता वाता था नहीं, अब तो प्रॉपर भाई। और यही थी आज की वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और भाई जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम पे हाई क्रॉस से रिलेटेड एवरेज टेस्ट हो गया इसका, और जितनी भी चीज़ें होती हैं इसके, जितना भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ इस गाड़ी की वजह से, क्योंकि ये नई गाड़ी है, मार्केट में ज़्यादा लोग है नहीं गाड़ी, तो जितना मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ मैं करूँगा, ठीक है। और रील्स में तो भाई प्यार दिखा ही रहे हो आप, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, हिट रेट करेंगे चाहने वाले चाहेंगे, एंड भाई मिलता हूँ फिर नेक्स्ट।